हेलो दोस्तों, मैं हूँ निवेदिता और आज मैं आप सबके लिए एक नया डिश लेकर के आई हूँ। तो आज ये हमारे यहाँ रात का खाना बन रहा है, आलू टमाटर की सब्जी और बनेगी चावल के आटे की पूड़ियाँ। तो देखिए, कढ़ाई में लिया है तेल, लगभग 2 बड़े चम्मच तेल है, तेल में कंजूसी ना करें। और ये देखिए, उबले आलू हैं और उनको छील के इस तरह मम्मी ने काट लिया है। और ये है टमाटर, आलू लगभग 2 बड़े आलू हैं और टमाटर है 2 छोटे टमाटर। अभी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलेगा वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो और ये लिया है हमने मसाला, तो ये मसाला सिल पे पिसा हुआ है और इसमें है एक छोटा प्याज, लहसुन 5-6 कलियां, ऊपर से ये कश्मीरी लाल मिर्च पड़ा है, हल्दी पड़ी है और धनिया पाउडर पड़ा है, लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। खड़े गर्म मसाले भी मम्मी ने प्याज और लहसुन के साथ ही पीस लिए थे, जिसमें था जायफल, दालचीनी थी, लौंग था और मैं आपको बाकी चीजें बताती हूँ। खड़े गर्म मसाले जो भी आप यूज करते हैं वो आप पीस लीजिए तो गर्म मसाले का टेस्ट सही आएगा। अब देखिए, इसमें तेल गर्म हो गया तो जीरा हम डाल देंगे, 2 चुटकी जीरा डाला, आंच धीमी रखिएगा। और ये डाल दिया जो हमारा मम्मी ने मसाला पिसा हुआ था, इसको डाल दिया है थोड़ा सा। और साथ ही साथ देखिए, इधर पानी भी गर्म कर लिया गया है जो कि आटा सानना है इसको, जो चावल का आटा है वो गर्म पानी में बनाया जाता है, ठंडे पानी में नहीं होता। इसकी भी तैयारी साथ साथ हो रही है, मसाले को अच्छे से भून लेना है। देखिए मसाला डालते ही इतना सुंदर कलर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसको चलाते रहना है और भूनना है। लगभग 2 मिनट मसाला को भुना हुआ है, देखिए कितना अच्छा कलर है। और अब इसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी थोड़ी देर इसमें पकाएंगे। तो लगभग 2 मिनट हमने टमाटर को भी पकाया है और देखिए कितना अच्छा हो गया है, ये घुल गया है टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके साथ ही डाल देंगे हम अपने आलू को। अब आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है आलू और टमाटर का मिक्सचर सब। अब इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक, नमक को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़े रसेदार सब्जी बनेगी ये, बहुत ज्यादा मतलब रसा नहीं करेंगे, थोड़े से रखेंगे। देखिए कितना कलर अच्छा आया है, पानी डालने के बाद थोड़ा सा बॉईल करेंगे थोड़ी देर। तो अब ये देखिए, हमने लिया है चावल का आटा और तो अब चावल के आटे में हम डालेंगे देसी घी। और जैसा पानी गर्म किया था हमें उससे ही आटे को सानना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा एक साथ नहीं डालना है। तो ये देखिए आटा हमारा तैयार है और थोड़ी सी बर्तन रख लिए, अब बनाएंगे इसकी पूरियां। तो ये देखिए हमारी सब्जी हो गई है रेडी और अब ऊपर से डाल रहे हैं हम हरी धनिया कटी हुई। देखिए कितने अच्छा कलर आया है सब्जी का और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती है। हमारे यहाँ हमेशा मम्मी ठंडी में बनाती हैं, गर्मी में भी बनाती हैं, लेकिन पूड़ियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये ले ली है अब हमने कढ़ाई जिसमें बनने वाली है पूड़ियाँ, उसमें डाल दिया है हमने घी
घी को करेंगे गरम। तो घी हो गया है गरम। यहाँ देखिए मम्मी बना रही है पूड़ियाँ। सबसे पहले काटेंगी लोई। ये नॉर्मल आटे की तरह नहीं होता है, ये चिटकेगा ही किनारे से, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। इसीलिए घी डाला जाता है ताकि आपस में चिपका रहे आटा। वैसे तो चावल का आटा बहुत ही अलग अलग सा हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल आटे की तरह, ये गेहूं के आटे की तरह नहीं होता। अब देखिए कितनी बढ़िया पूरी बन रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। आपने कभी नहीं ट्राई किए तो आप करिए एक बार ट्राई, फिर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। पूड़ी को थोड़ी सी लाल करना है। ये देखिए बहुत सुंदर सा कलर आया है। ये देखिए एक पूड़ी हो गई है हमारी, एक पूड़ी हमारी कढ़ाई में है और मम्मी फटाफट और पूड़ियां बना रही हैं। तो ये देखिए हमारी प्लेटिंग हो गई है। तो आपने घर पे बनाइए ये रेसिपी और मुझे बताइए कैसी लगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे की और वीडियोस को सपोर्ट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं अपना डिनर करने जा रही हूँ, आप सब भी करिए। बाय बाय।